نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد किसी भी इंसान की खुशकिस्मती ये है कि उसे दुनिया में हिदायत मिल जाए और मौत के बाद जन्नत मिल जाए, और किसी भी इंसान की महरूमी ये है कि दुनिया में हिदायत न मिले और मौत के बाद जन्नत न मिले। क़ियामत के दिन किसी भी इंसान को जन्नत में थोड़ी सी जगह का मिल जाना, जहन्नम के अजाब से बच जाना, ये उसके लिए बहुत बड़ी सआदत की बात है। क़ुरान करीम की आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत के बारे में फ़रमाया कि जब अहले ईमान क़ियामत के दिन जन्नत के करीब जाएंगे तो वफुतिहत अबवाबुहा, उसके दरवाज़े पहले से खुले हुए होंगे। इस आयत करीमा से मालूम हुआ कि जन्नत में सिर्फ एक दरवाज़ा नहीं बल्कि कई दरवाज़े होंगे। उन दरवाज़ों में से तकरीबन 8 जन्नत में कई दरवाज़े होंगे। अहादीस मुबारका में मुख्तलिफ आमाल पर मुख्तलिफ दरवाज़ों का तज़किरा है, जिन्हें हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह ने फतहुल बारी शरह बुखारी की 7वीं जिल्द में एक ही जगह पर इकट्ठे ज़िक्र फरमाया। वो जन्नत के 8 दरवाज़े कौन से हैं? नंबर 1 बाबुस सलात, नमाजियों के लिए। नंबर 2 बाबुस सदका, माली हुकूक अदा करने वालों के लिए। नंबर 3 बाबुल हज, हज अदा करने वालों के लिए। नंबर 4 बाबुल रयान, रोज़ेदारों के लिए। नंबर 5 बाबुल जिहाद, मुजाहिदीन के लिए। नंबर 6 बाबुल मुतवक्किलीन, भरोसा और तवक्कुल करने वालों के लिए। नंबर 7 बाबुल काज़िमीन अलगैज़ा वल आफ़ीना अनिन्नास, अपने गुस्से को कंट्रोल करने वाले और लोगों से दरगुजर करने वालों के लिए। नंबर 8 बाबुल ज़िक्र या बाबुल इल्म, अल्लाह का ज़िक्र करने वालों के लिए या दीन इस्लाम को सीखने वालों के लिए। ये जन्नत के 8 दरवाज़े हैं जिनसे मुख्तलिफ लोगों को क़ियामत के दिन बुलाया जाएगा। अहादीस मुबारका में बाज़ ऐसे आमाल भी मज़कूर हैं, अगर इंसान उनका ख़याल करे तो क़ियामत के दिन उस बंदे को जन्नत में जाने के लिए इख्तियार दिया जाएगा। ये 8 दरवाज़े खुले हैं, इनमें से जिस दरवाज़े से दाखिल होना चाहो आज दाखिल हो जाओ। ईमान के बाद वो बहुत सारे आमाल ऐसे हैं, अगर इंसान उनका ख़याल करे, उन आमाल की पाबंदी करे, उन आमाल को बजा लाए, तो क़ियामत के दिन जन्नत में दाखिले के लिए उसे इख्तियार दिया जाएगा कि ये 8 दरवाज़े खुले हैं, इनमें से जिससे जाना चाहो आज कोई भी तुम्हें रोकने और टोकने वाला नहीं है। उनमें से चंद एक आमाल का तज़किरा अहादीस मुबारका की रोशनी में मैं आप हजरात के सामने अर्ज़ कर देता हूँ। हज़रत इमाम बुसैरी रहमहुल्लाह ने इत्तेहाफुल खियारतुल महरा की 6 जिल्द सफ़ा 397 पर हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक हदीस मुबारक नकल की। हुजूर रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सलासुन मन जाअ बिहिन्न मअल ईमानि दाखल मिन अय्यि अबवाबिल जन्नति शाअ व ज़ुव्विज़ मिन अल-हूरिल ऐनि हैसु शाअ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो बंदा कलमा पढ़ने के बाद अपने अकैद की इसलाह करने के बाद 3 चीज़ों का ख्याल करे, 3 आमाल अपनी ज़िंदगी में लेकर आ जाए, तो क़ियामत के दिन उसे जन्नत के तमाम दरवाज़ों में से गुज़रने का इख्तियार दिया जाएगा कि जिस दरवाज़े से दाखिल होना चाहो दाखिल हो जाओ। वो 3 बंदे कौन से हैं? फरमाया, मन आफा अन कातिली, जो अपने कातिल को माफ़ कर दे। नंबर 2, व अद्दा दैनन खफियन, पोशीदा तौर पर कर्ज अदा करे। नंबर 3, वक़रा अफ़ी दुबुरी कुल्ली सलातिन मकतूबतिन 10 मर्रातिन कुल हुवल्लाहु अहद
हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 10 मरतबा सूरतुल इखलास की तिलावत करे। जो बंदा ये तीन काम करेगा उसे क़ियामत के दिन जन्नत के 8 दरवाज़ों से गुज़रने का इख्तियार दिया जाएगा। पहला अमल मनाफा अन कातिली ही, जो शख्स अपने कातिल को माफ़ कर दे। क्या मानो? किसी बंदे ने किसी पे हमला किया और उसे ज़ख्मी कर दिया। अब ये ज़ख्मी हालत में है, ज़ख्मी हालत में कहते हैं कि जिसने मुझे कत्ल किया मैं अल्लाह की रज़ा के लिए उसे माफ़ करता हूँ। अपने वुरसा से कह के जाता है कि मेरे जाने के बाद तुमने मेरे कातिल को कुछ नहीं कहना, उसे अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ करना है। फरमाया जो कातिल को माफ़ करेगा अल्लाह क़ियामत के दिन जन्नत के 8 दरवाज़ों से इसे गुज़रने का इख्तियार देंगे। नंबर 2 अद्दा दैनन खफियन, जो आदमी कर्ज़ अदा करे और पोशीदा कर्ज़ अदा करे। इसकी कई सूरतें हो सकती हैं। नंबर 1, एक बंदे ने दूसरे से कर्ज़ लिया, जिसने कर्ज़ दिया उसे पता नहीं है, वो कर्ज़ देने के बाद भूल गया। अब ये बंदा अगर कर्ज़ वापस न करना चाहे तो कोई इसे जबर करने वाला लेने वाला नहीं है, वो भूल गया इसे याद है। ये अगर अपनी तरफ से कर्ज़ की अदायगी कर दे अल्लाह क़ियामत के दिन इसे जन्नत के 8 दरवाज़ों से गुज़रने का इख्तियार देंगे। इसकी दूसरी सूरत, एक बंदे ने दूसरे से कर्ज़ लिया, इस कर्ज़ पर कोई गवाह मौजूद नहीं, इस कर्ज़ पर कोई तहरीर मौजूद नहीं, इस पर किसी किस्म का कोई सबूत नहीं है। अब अगर ये कर्ज़ लेने वाला कर्ज़ अदा न करे तो उस कर्ज़ देने वाले पर किसी किस्म की कर्ज़ देने वाले के पास किसी किस्म का सबूत नहीं है। ये अगर न दे तो कोई ज़बरदस्ती भी नहीं है, ये फिर भी कर्ज़ अदा करता है, अल्लाह क़ियामत के दिन जन्नत के 8 दरवाज़ों से इसे गुज़रने का इख्तियार देंगे। नंबर 3, एक बंदे ने कर्ज़ दिया, दूसरे ने कर्ज़ लिया, कर्ज़ देने वाला इस पोजीशन में नहीं कि ज़बरदस्ती करके इससे कर्ज़ वसूल कर सके, वो ताकतवर है कर्ज़ लेने वाला, ये ताकतवर होने के बावजूद भी कर्ज़ वापस करता है, अल्लाह क़ियामत के दिन इसे जन्नत के 8 दरवाज़ों से गुज़रने का इख्तियार देंगे। नंबर 4, एक बंदे से कर्ज़ लिया, जिससे कर्ज़ लिया वो दुनिया से चला गया, अब उसके वुरसा के पास किसी किस्म का कोई सबूत मौजूद नहीं कि हमारे वालिद साहब ने हमारे भाई ने फलां से कर्ज़ लेना था, ये सबूत न होने के बावजूद भी उसके वुरसा को कर्ज़ देता है, तो क़ियामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसे जन्नत के 8 दरवाज़ों से गुज़रने का इख्तियार देंगे। तो फरमाया अद्दा दैनन खफियन, जो पोशीदा कर्ज़ अदा करे अल्लाह क़ियामत के दिन जन्नत के 8 दरवाज़ों से गुज़रने का इख्तियार देंगे। नंबर 3, फरमाया हर फ़र्ज़ नमाज के बाद जो आदमी 10 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद सूरह इखलास की तिलावत करता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़ियामत के दिन भी इसे जन्नत के 8 दरवाज़ों से गुज़रने का इख्तियार देंगे। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, हुज़ूर ने जब ये तीन बातें इरशाद फरमाई, हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह इहदाहुन्ना, अगर कोई आदमी ये तीनों काम न कर सके इनमें से कोई एक काम कर ले क्या अल्लाह उसे भी इख्तियार देंगे कि वो जन्नत के 8 दरवाज़ों से गुजरे? हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वा इहदाहुन्ना, अबू बकर अगर इनमें से कोई एक काम भी कर ले, तीनों में से किसी एक पर भी अमल कर ले, अल्लाह क़ियामत के दिन उसे भी जन्नत के 8 दरवाज़ों से गुजरने का इख्तियार देंगे। अब देखें ये कितना आसान अमल है, हम अपने कातिल को माफ़ नहीं कर सकते, ये मसला हर बंदे के साथ नहीं है, कर्ज़ अदा नहीं कर सकते, कर्ज़ लेना हर बंदे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम में से हर बंदा ये काम तो कर सकता है कि हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 10 मरतबा सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद इसकी तिलावत कर लें। दूसरी हदीस मुबारक जिसे इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने सही मुस्लिम में नकल किया, हज़रत उकबा बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हम हाज़िर होते दीन सीखने के लिए, आप अलैहिस्सलाम हमें दीन सिखाते और जो बैतुल माल के ऊँट होते हम बारी बारी चराने के लिए जाया करते थे, कभी एक तालिब इल्म की बारी, कभी दूसरे की बारी, कभी तीसरे की बारी, हम बारी बारी ऊँट चराने के लिए जाया करते थे। फरमाते मेरी बारी ऊँट चराने की थी, मैं ऊँट चरा के वापस आया, मैंने देखा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं और सहाबे किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन आपके इर्द गिर्द हल्का बना के खड़े हैं और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन्हें कुछ फरमा रहे हैं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुछ नसीहत फरमा रहे हैं, दीन की बातें कर रहे हैं। फरमाते मैंने ऊँट बांधे, ऊँट बांध के मैं पहुँचा तो मैंने सुना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे थे
कि जो मुसलमान वुजू करे और अच्छी तरह वुजू करे और वुजू करने के बाद दो रकातें ऐसी अदा करे कि उसके दिल में किसी किस्म का ख्याल ना हो, अपने दिल को अल्लाह की तरफ मुतवज्जे करे। इसे आज की जदीद अल्फाज में आप यूँ कह सकते हैं कि खुशू और खुजू के साथ दो रकात नमाज अदा करे, अपने जाहिरी जिस्म के साथ भी अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो और अपने बातिन और कल्ब को भी अल्लाह की ज़ात की तरफ मुतवज्जे करे। फरमाए जो बंदा ऐसा काम करेगा वजबत लहुल जन्ना, क़ियामत के दिन इसके लिए जन्नत वाजिब हो जाएगी, अल्लाह इसे जन्नत में ज़रूर दाखिल फरमाएंगे। फरमाते मैंने हुजूर का ये फरमान सुना तो मैंने खुशी में कहा क्या बात है, वाह हुजूर अलैहिस्सलाम ने कैसी प्यारी बात इरशाद फरमाई। मेरे सामने एक शख्स खड़ा था, उसने कहा कि जो बात हुजूर ने इससे पहले फरमाई, इस फरमान से पहले जो आपने इरशाद फरमाया वो इससे भी ज़बरदस्त है। मैंने देखा तो मेरे सामने सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। हज़रत उमर फरमाने लगे उकबा लगता यूँ है कि आप अभी आए हो, अभी इस मजलिस में पहुँचे। मैंने कहा जी अभी पहुँचाऊँ? फरमाया कि तुमने हुजूर की ये बात सुनी है, इससे पहले जो हुजूर ने बात इरशाद फरमाई वो इससे भी ज़बरदस्त थी। मैंने कहा उमर वो कौन सी? फरमाने लगे हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो मुसलमान वुजू करे और मुकम्मल वुजू करे, अच्छी तरह आदाब के साथ वुजू करे, वुजू करने के बाद ये कहे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुल्लाह व रसूलु इल्ला फुतिहत लहु अबवाबुल जन्ना। फरमाया कि जो बंदा दूसरा कलमा पढ़ता है वुजू करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से उसके लिए क़ियामत के दिन आठों दरवाजे खोल दिए जाएंगे और उसे इख्तियार दिया जाएगा कि जिस दरवाजे से दाखिल होना चाहे आज दाखिल हो जाए। अब देखिए ये कितना आसान अमल है, वुजू करना, अच्छी तरह वुजू करना और वुजू करने के बाद दूसरा कलमा पढ़ना। फरमाया कि जो बंदा वुजू करने के बाद दूसरा कलमा पढ़ता है अल्लाह रब्बुल इज्जत क़ियामत के दिन उसके लिए जन्नत के आठों दरवाजे खोल देंगे और उस बंदे को इख्तियार देंगे यदखुलु मिन अय्यिहा शा। ए मेरे बंदे ये आठ दरवाजे खुले हैं बाबुल सलात से लेकर बाबू ज़िक्र तक, ये आठों के आठों दरवाजे खुले हैं, आज जिसमें से दाखिल होना चाहे दाखिल हो जाए, आज कोई भी तुम्हें रोकने और टोकने वाला नहीं है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत के दरवाज़ों का जिक्र किया, जन्नत में जाने वाले आमाल का जिक्र किया। मैंने आज की नशिस्त में उनमें से चार अमल आपके खिदमत में अर्ज़ किए कि जो आदमी ये चार अमल कर ले या इनमें से एक कर ले, क़ियामत के दिन उसे जन्नत के आठों दरवाज़ों से गुजरने का इख्तियार दिया जाएगा। नंबर एक, लोगों को माफ़ करना, खुसूसन अपने साथ ज़्यादती करने वालों को माफ़ करना। नंबर दो, ऐसा कर्ज अदा करना जिस पर कोई गवाह ना हो, अगर अदा न करना चाहे तो कोई ज़बरदस्ती ना हो। नंबर तीन, हर फर्ज नमाज के बाद 10 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत करना। और नंबर चार, अच्छी तरह वुजू करने के बाद दूसरा कलमा पढ़ना। अगर हम इन आमाल का ख्याल करेंगे तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक फरमान है क़ियामत के दिन जन्नत के आठों दरवाजे तुम्हारे लिए खोल दिए जाएंगे, जिस दरवाजे से दाखिल होना चाहोगे कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं होगा। रब्बुल आलमीन हम सबको दुनिया में हिदायत अता फरमा दें, अल्लाह ईमान फिर अमान पर सलामती अता फरमा दें, अल्लाह मौत के बाद हम सबको जन्नत अता फरमा दें, दुनिया में जलालत और गुमराही से अल्लाह बचा लें और मौत के बाद अल्लाह जहन्नम से बचा लें। अल्लाह क़ियामत के दिन हम सबको ऐसे आमाल दुनिया में ऐसे आमाल करने की तौफीक अता फरमाएं कि क़ियामत के दिन हम जन्नत के मुस्तहिक बन जाएं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।